गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू कंपेयरिंग नंबर ऑन नंबर लाइन। बेटा आज हम आपको बताएंगे कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स दिए उनमें कंपेयर कैसे किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अ नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ नंबर्स। जैसे कोई नंबर दिया हुआ बेटा, उसमें क्या है कि नंबर की सारणी दी हुई है। ठीक है, नंबर लाइन पर नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें देखेंगे बेटा कि कैसे कोई भी नंबर दिया हुआ हम उसमें नंबर्स का कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट देखिए, द नंबर विच लाइज टू द राइट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, राइट ऑफ अ गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन दैट नंबर। ठीक है, जैसे कि कोई भी बेटा नंबर दिया हुआ है, सपोज करो 35 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन नंबर क्या दिया हुआ हमने, एक नंबर है फ्रॉम 31 to 40 है। सपोज करो उनके बीच में कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 35 नंबर दिया हुआ है। अगर 35 के हम बेटा राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे नंबर्स इससे बड़े होंगे। ठीक है, राइट साइड जाएंगे तो इफ यू मूविंग लेफ्ट टू राइट सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे वो। ठीक है बेटा, अब रूल नंबर टू देखिए, सीधा रूल नंबर टू, द नंबर विच लाइज टू द लेफ्ट ऑफ अ गिवन नंबर ऑन द नंबर्स लाइन इज द स्मॉलर देन दैट नंबर। ओके, अब क्या है बेटा, इसमें मान लो कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 57 नंबर दिए हुए हैं। अगर हम गिवन नंबर से लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट साइड, मतलब जैसे ये नंबर दिया हुआ है और इसके हम क्या जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा बेटा, स्मॉलर नंबर आएंगे, दैट नंबर से स्मॉलर नंबर आएंगे। ठीक है ना, ये सारे जैसे 57 है, अगर सपोज करो हम 53 और 57 का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, 57 इससे छोटा नंबर होगा ना 53। इफ यू मूविंग राइट टू लेफ्ट नंबर इज इन क्या जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब देखिए बेटा एक्सरसाइज, कंपेयर नंबर यूजिंग नंबर लाइन एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन स्मॉल और इक्वल इन द प्लेस होल्डर्स। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, कंपेयर नंबर करके और हमें साइन लगाने हैं नंबर्स पर यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे इसमें गिवन नंबर कितना दिया हुआ है बेटा, नंबर लाइन पर क्या क्या नंबर दिया हुआ है, फ्रॉम 80 to 94। ठीक है, सबसे पहले हम 83 को देखेंगे। देखो 83 है बेटा, 83 के कहाँ है यहाँ पर, ये राइट साइड, मैंने बताया था जैसा कि आपको जो राइट साइड होते हैं वो क्या होता है, ग्रेटर नंबर होते हैं। राइट साइड क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर, और लेफ्ट गिवन नंबर से राइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं। जो बेटा राइट साइड होते हैं वो ग्रेटर नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड होते हैं वो स्मॉलर नंबर होते हैं गिवन नंबर से। ठीक है, अब जैसे 83 है, अब 83, अब आप यहाँ बेटा वेयर इज 83 हेयर, ठीक है ये 83 है। एंड 92 कहाँ पर है बेटा, देखो 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ये 92 नंबर है। ठीक है, अब हमें इनमें से कंपेयर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, गिवन नंबर से अगर राइट साइड होंगे तो वो क्या होंगे, ग्रेटर नंबर होंगे। तो 92 क्या होगा बेटा, 92 इज द ग्रेटर 83। ठीक है, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, वी कैन से कि 83 इज स्मॉलर देन 92, 83 लेस देन 92। ठीक है बेटा, अब हम कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर का, 92 इज द ग्रेटर देन 83। ओके, अब बेटा नाउ लेट अस सेकंड एग्जांपल, गिवन नंबर क्या दिया हुआ बेटा आपको, फ्रॉम 48 to 62 दिए हुए नंबर नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखिए 60 and 50, हमें इन दो नंबर्स, ये दो नंबर दिए हुए हैं 60 and 50, इनमें हमें कंपेयर करना है विच इज द ग्रेटर नंबर एंड विच इज द लेस देन नंबर। अब देखिए 60, अब 60 नंबर कहाँ है बेटा, ये 60 नंबर है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, अगर हम गिवन नंबर से लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है बेटा, स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है ना, स्मॉलर नंबर होते हैं ना, तो 50 क्या होगा, 60 से छोटा नंबर है ना। देखो यहां इस साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में
स्मॉलर नंबर्स है लेफ्ट साइड में आ रहा है। देखो ना ये गिवन नंबर दिया हुआ है और ये 50 का आया है, लेफ्ट साइड में आया हुआ है, तो क्या हो गया 50 इज द स्मॉलर एंड 60 क्या है बेटा ग्रेटर नंबर। 60 इज ग्रेटर देन 50, ओके। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, अब नंबर लाइन पर क्या नंबर दिए हुए हैं, 20 to 30 नंबर दिए हुए हैं। अब हमें देखना है बेटा कौन कौन से नंबर में कंपेयर करना है 25 and 25 नंबर्स में। अब देखो ये 25 नंबर है, ठीक है, अब 25 नंबर है तो ये क्या हो गया बेटा, इस साइड भी नंबर्स बराबर हैं और इस साइड भी नंबर बराबर, मतलब हम इस साइड भी जाएंगे। अब देखिए बेटा 25 नंबर्स है, अब हमें 25 और 25 में नंबर ना तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है ना राइट साइड जा रहा है, तो ये क्या है बीच में है, इक्वल है ये, तो क्या जाएगा यहाँ पर इक्वल 25 इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, नंबर लाइन पर क्या नंबर्स दिए हुए हैं 7 to 20 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना 7 to 20 नंबर। अब 8 कंपेयर करना है हमें 16 से, हमें 8 नंबर और 16। अब देखिए बेटा 8 नंबर है, ठीक है 8 नंबर से 16 है। अब देखो 16 नंबर कहाँ किस साइड है, राइट साइड है, तो मैंने आपको बताया था गिवन नंबर से जो राइट साइड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं, तो 16 इज ग्रेटर देन 8। अब वी कैन से ऐसे भी कह सकते हैं 8 लेस देन 16, 8 नंबर लेस देन 16 नंबर, ओके समझ में आ गया बेटा। ये मैं बेटा आपको कंपेयर वाला पहले भी करा चुकी हूँ, सिर्फ हमें नंबर लाइन से हमें और भी इजी हो गया कि हम नंबर लाइन से तो हमें ज्यादा अच्छे से पता चलता है। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा 100 और 90 नंबर्स में कंपेयर करना है विच इज द स्मॉलर नंबर एंड विच इज द ग्रेटर नंबर। नंबर लाइन पर बेटा नंबर्स क्या दिए हुए हैं 90 to 100 नंबर दिए हुए हैं, 90 से लेकर 100 नंबर दिए हुए हैं। अब हमें देखना है, देखो 100 नंबर है बेटा, ठीक है, अब 100 नंबर से कहाँ है 90, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना 90, तो क्या हो गया बेटा स्मॉलर नंबर हो गया। और ये देखो अब अगर हम 90 देखेंगे ये 90 नंबर है, 90 के 100 किस साइड है राइट साइड है, तो 100 क्या हो गया बेटा ग्रेटर, 100 इज ग्रेटर देन 90। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 90 लेस देन 100, 90 नंबर लेस देन 100 नंबर, ओके बेटा। देखो अब आपने कंपेयर वाला करने है, ये आपको बेटा नोटबुक में नंबर लाइन के ही थ्रू करना है, ठीक है ना, ये आपको नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। अब मैं आपको बेटा देखो बेटा दूसरा टॉपिक है एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर हमें ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल राज हैज 5 क्वाइंस, राज के पास बेटा कितने क्वाइंस है 5 क्वाइंस है, मतलब 0 to 5 लाइन से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब 0 से जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे स्केल में होता है ना बेटा 0 से, तो हम 0 से ही काउंट करते हैं 0 to 5। अब नाउ हिज फादर गेव हिम 2 क्वाइंस मोर और दे दिए उनके उसके पापा ने क्या दिए 2 क्वाइंस उसे और दे दिए। 5 के बाद क्या जाएगा फिर 2 नंबर, जैसे 1 2 1 2, तो कहां पर आ गया बेटा ये 7 नंबर पर। देखो 5 तो उसके पास ऑलरेडी पहले थे, 2 उसके फादर ने और दे दिए, तो बेटा टोटल नंबर्स क्या हो गए 7 नंबर हो गए, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स राज हैड 7 नंबर्स। अब यहां से देखिए बेटा एट द, अब हम एक्सरसाइज करेंगे एट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे एड करेंगे। अब जैसे देखो ये क्या है, हाँ। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है बेटा 6 plus 9, हमें क्या करना है नंबर लाइन पर 6 और 9 को ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे काउंट करेंगे 6 नंबर लाइन पर जो नंबर दिए हुए हैं 1 to 20 तक दिए हुए हैं, देखो 6 नंबर है 0 to 6 नंबर करेंगे 1, देखो बेटा 6 तक काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर क्या करना है एड 9, फिर यहां से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है यहां तक आ गया बेटा। अब इसको यहां से
मिला लो, तो टोटल नंबर क्या होगा बेटा, 6 एंड 9, हाउ मेनी टोटल नंबर, टोटल नंबर 15, ठीक है, इधर 15 आ गए ना। अब देखो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्लस करने, 2 प्लस 5, ठीक है, अब हम करेंगे 2, 1 काउंट करेंगे नंबर लाइन पर, 1 2, ये 2 हो गए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5, 1 2 3 4 5, बेटा टोटल नंबर क्या हुआ, 2 एंड 5 7, 7 नंबर आ गए, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, 15 एंड 3 नंबर, ठीक है, पहले हम 15 काउंट करेंगे नंबर लाइन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है बेटा, ये हमने 15 नंबर काउंट कर दिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 15 में 3 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, 1, फिर काउंट करेंगे 3 नंबर्स, 1, नेक्स्ट 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3, हाउ मेनी टोटल नंबर बेटा, 15 एंड 3, हाउ मेनी टोटल नंबर, 18, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, 6 प्लस 0, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे बेटा, 6 में किसी भी नंबर को बेटा हम जब 0 से प्लस करते हैं तो वैसे भी नंबर ही आता है। दूसरा है बेटा 6 प्लस करना है, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, अब 6 में बेटा हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। नेक्स्ट है 10 प्लस 3 प्लस 2, 10 प्लस 3 प्लस 2, पहले हम काउंट करेंगे 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। फिर उसे नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3, 13 हो गए, फिर 13 में 2 प्लस करेंगे, 1 2, हाउ मेनी टोटल नंबर, 15, ओके, हाउ मेनी, 10 प्लस 3 प्लस 2, हाउ मेनी टोटल नंबर, 15। बेटा ये आपको देखो, पहला हमारा ये टॉपिक था कंपेयर नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन एंड पुट द करेक्ट सिंबल्स, ये वाला करना है, ठीक है। सेकंड आपको करना है एडिशन यूजिंग नंबर लाइन, बेटा ये आपको नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है, ठीक है, और सुंदर सुंदर आपको अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, और ठीक है बेटा, आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही, ये मैंने आपको क्लास वर्क कराया है, ठीक है, ओके, थैंक यू।